इतना अंधेरा क्यों है? ओ सॉरी सॉरी सर, ये असली लड़की नहीं है. अच्छा लगा आपको? मैं देखी थी शिल्पा शेट्टी को भी, दिल्ली वालों पकड़े थे ना पैसा ऐसा करके, मैं देखी थी. खैर हमारे स्टार लोग के लिए जोरदार ताली. और साया जी बहुत जल्दी कपड़े पहनकर आप आ गए इधर. मेरा मतलब तेल वेल भी सूख गया इनका. क्या तेल का मतलब? मसाज करवा रहे थे पार्लर में मेरे. अभी तो मसाज दिया इनको आधा घंटा पहले मैंने. अरे क्यों झूठ बोल रही हो, तो कब से यहाँ बैठे हुए हैं? तो फिर पार्लर में कौन था? पार्लर में कौन था, कौन था, कौन था? जय जपा जय, जपा का जय, जय जपा जय, जपा का जय. आप सभी का स्वागत करता हूँ. मैं सयाजी शिंदे गारंटी के साथ में. एक मिनट, असली वाले तो इधर बैठे हैं. हाँ. ये नकली ए, तो है कौन? नमस्ते सर. नो सर. नमस्ते, मैं गोपी GOPI गारंटी के साथ में. वाइब्रेशन मोड पे क्यों, रिंगटोन मोड पे डालो ना अपने आप को. हे सपना, तू तो बोली थी बोला गारंटी के साथ में मसाज करेगी, ये क्या कर डाला तूने? आप लोगों बताओ, ये मेरे मुंह में फूल डाल रही थी, फूल गारंटी के साथ में. मेरी क्या गलती है अर्चना जी? यही बोल रहा था, मेरे को फूल बॉडी मसाज चाहिए. अभी फूल डाली नहीं. अच्छा हुआ सर आपने डीप टिश्यू मसाज नहीं मांगा. वरना मैं टिश्यू इतना डीप में डालती हूँ ना कि आपका साया जी के साथ रजा मुराद जी भी बाहर आ जाता. वो भी गारंटी के साथ. ए सपना, तेरा मुंह मेरे को बहुत अच्छा लगा. अब यह अंदर का अंडरग्राउंड बात बताता हूँ. मैं तेरे को आई लव यू करता हूँ गारंटी के साथ में. सच्ची में? आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? मेरे दादाजी ने 2 करोड़ का फ्लैट छोड़ के गया, वो तेरे नाम कर सकता हो गारंटी के साथ में. 2 करोड़? आप मेरे को इतना प्यार करते थे, पहले क्यों नहीं बताया आपने मेरे को? चलो ना फ्लैट में चलें. जाएंगे, वो फ्लैट के ऊपर एक छोटा सा लोन है 3 करोड़ का. तू मसाज कर करके वो लोन नीचे लाना, क्लीन करना, वो हो जाएगा. उसके बाद वो 2 करोड़ का फ्लैट अपना गारंटी के साथ में. अच्छा आप अपना नॉर्मल आवाज में आप कैसे बात करते हैं? नॉर्मल तो मैं ऐसे ही बात करता हूँ. क्यों, आपको कुछ सुनना था? नहीं, एक्चुअली क्या है, वो हमारे गेस्ट है ना. हाँ. तो आप उनकी मिमिक्री कर रहे थे. हाँ. उस टाइम पे थप्पड़ मारती तो अच्छा नहीं लगता. अभी क्या बात है, आज हमारे इंडस्ट्री के आयरन मैन लोग आए हैं. जोरदार तालियां हो जाएं. कैसे आप? कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप. मैं आपकी बहुत फैन हूँ. मैं आपको बहुत पिक्चर में देखे ली ना. आप आंखें पिक्चर में थे ना, आप चीची मामा के साथ में. हाँ. आपको पता है जब आपकी आंखें आई थी ना. हाँ. तब मेरे दांत आए थे. मैं बहुत छोटी थी तभी. आप ना ऐसा कोई डायलॉग बोल के ऐसा कबूतर निकाल के दिखाओ ना प्लीज. एक कबूतर कैसे निकालेंगे मतलब? अरे सब लोग बोलते हैं ना इनकी आवाज में जादू है. तो जादू से तो लोग कबूतर भी निकालते ना, इसलिए बोली. खैर मैं ये प्रोमो देखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग का. ये क्या बोलते हैं आप कि आप वो क्या 15 दिन के मेहमान है, ऐसा प्रोमो में आता है ना. आपको पता है मेरे चाचा जी हैं, वो सिर्फ 4 दिन के मेहमान है. क्या हो गया उनको? हुआ कुछ नहीं, 10 दिन के लिए आए थे, 6 दिन पूरे हो गए, 4 दिन बचे. क्या ढूंढ रही है? क्या ढूंढ रही है? क्या ढूंढ रही है? मैंने अपनी बातों में लॉजिक ढूंढ रही हूँ. मेरे को लगता है अर्चना जी आज मेरे को लॉजिक लगेगा ही लगेगा, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आए हैं आज. फिर साया जी कैसे? बस बस. खूब, मैं तुमसी खूब मोटी फैन आए. थैंक यू. मैं एक्चुअली सोनी टीवी पे 9:30 के बाद सबकी फैन हो जाती हूँ. सब लोग आते नहीं ये बोलता ऐसा बोलने के लिए, आप आके बोलने का मैं फैन हूँ. आप 17 से है ना? मैं 18 से हूँ. मतलब मैं 2018 से हूँ ये शो में. 5 साल हो गया अभी. पहले मैं आई थी शो में, उसके बाद अर्चना जी आई शो में, है ना.
आपको मालूम है अर्चना जी का मडेलैंड में बहुत बड़ा बंगला है, बहुत शानो शौकत है इनकी, फिर भी इधर आके शूटिंग करती है। अरे नहीं सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। एक्चुअली अर्चना जी इधर आके शूटिंग करती है, इसीलिए इनका मडेलैंड में बहुत बड़ा बंगला है और इसीलिए इनकी इतनी शानो शौकत है। सॉरी अर्चना जी, थोड़ा इधर उधर हो गया, कहीं इनको ऐसा गलत ना लगे ना, ऐसा ना लगे कि आपने मेहनत करके बंगला बनाया, बताना पड़ता है। देखो क्या है, कॉमेडी अपनी जगह और फैक्ट अपनी जगह, ऐसा है। जिमी जी, आप मेरे को उस आदमी का नाम बताओ। कौन सा आदमी? हाँ कौन आदमी? अरे अभी स्टेज के पीछे ना जिमी जी, पता है किसी को बोले एक्सक्यूज मी। तो क्या हो गया इसमें? अरे कितनी बड़ी बात है, जिमी जी बोल रहे एक्सक्यूज मी। कितने एपिसोड किए उन्होंने तेरे साथ में? काफी किए। आज तक तेरी किसी बात का जवाब दिया उन्होंने? हंस के बात को टाल देते कि नहीं टाल देते? तो जिमी जी ने एक्सक्यूज मी बोला है, कितनी बड़ी बात है। मैं हाँ सर, मेरे को पूछने का था आपसे, सर आप खाने में क्या क्या छोड़ते हैं? खाने में क्या क्या खाते हैं? तेरे को लगता है खाते रहेंगे वो? देख उनको भाई, तो कब से देख रही क्या फिटनेस है बाबा, इतने साल सेम लगना, एक जोरदार तालियां हो जाए यार। पहले से सेम खाने वाले लोग दिखाऊं आपको? पांडे उठ, पांडे को देख, उठना। ये ड्रम पालने के लिए दूसरा ड्रम बजाता है, देखो। अर्चना जी को देखो। अरे वो तो फिट है। नहीं नहीं, मैं बोली ऐसी देखते रहो ना, उनको अच्छा लगता है ऐसे देखते रहो। और गोविंद जी, अरे क्या आर्टिस्ट यार, गोविंद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं आपकी बहुत फैन हूँ सर। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। अच्छा है आपका नाम गोविंद है, पता है? अगर गोविंदा होता ना तो हम लोगों की इतनी बातचीत नहीं होती। सर मैं इतनी फैन हूँ आपकी, मैं ना उधर नाला सोपर में रहती हूँ। हाँ मेरा छावा है उधर मुकेश। हाँ, उसको किधर जॉब वीप पे लगवाऊँ ना उधर? ये क्या, क्यों लगवाए? अरे मैंने फिल्मों में देखा है ये खूबसूरत लड़की के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ तो खूबसूरत लड़कियों के लिए करते हैं ना। हाँ तो क्या हुआ, आज पूरे मर्दों के लॉट में मैं ही चेक खूबसूरत हूँ कि नहीं? और कैसे आप? अभिमन्यु जी के लिए जोरदार ताली, ये भी क्या कमाल का काम करते हैं। थैंक यू, बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। थैंक यू। ये ना मेरा एक फोटो है सलमान खान के साथ, देखो आए थे ना इधर, ये मेरा फोटो है, ये आप आधे घंटे तक देखते रहो ना प्लीज। ये क्यों देखेंगे आधे घंटे तक? अरे जब मैं इनकी और अक्षय कुमार की सेल्फी 2 घंटा देख सकती हूँ तो मेरी और सलमान खान की फोटो आधा घंटा नहीं देख सकते क्या? अभिमन्यु जी आप मेरे साथ वॉक पे चलो ना, इधर पीछे। कहाँ जाना तुझे वॉक पे उनके साथ? इधर ना पीछे कप्पू, इधर एक मंडप बनाया उन लोगों ने। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ 7 बार वॉक करना था ऐसा गोल गोल उधर ना, तो आप मेरे साथ। अपना वो शादीशुदा है? अपना क्या, अपना पूरा हो चुका है, 7 क्या 14 15 20 फेरे हो चुके हैं। मैं शादीशुदा है। आप शादीशुदा है? और अभी क्या है कि अपन जो पिक्चर कर रहा है ना वो देखने का। पता है क्या है, कुछ नहीं होता है, देखो गर्मी बहुत है। ओके ठीक है, जब इंसान गर्मी में एसी चालू करता है तो क्या पंखा नहीं चलाता क्या? कभी कभी पंखा भी चलाता। पंखे का जरूरत नहीं, एसी की हवा मेरे लिए बहुत अच्छा। बस एक ही चीज का ध्यान रखने का, बता, पंखे की जो आवाज है ना वो एसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर पंखे की आवाज एसी तक पहुंच गई तो फिर एसी गरम हवा छोड़ता है, मैं बता रही हूं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटा मोटा पंखा रहता तो मैं काम चला लेता, लेकिन तुमका बहुत भारी पंखा है। तुम घूमेगा तो इतना आवाज आएगा कि मोहल्ले वाले को भी पता चलेगा। अरे मैंने आपको किधर देखा लगता है, किधर देखा है? मैं जब भी इधर आई थी ना ऐसे डांचते, सबसे पहले मैंने आप ही को देखा था। फिर मैंने ऐसा सोचा था कि मैं जाते जाते ना आपसे बात करके जाऊंगी। तो मैं चलती हूँ। तो जाने से पहले बात तो कर। अभी तो की बात मैंने। अच्छा अच्छा, वैसे कहानी पिक्चर में थे ना आप? हाँ, आप ऐड भी करते हैं ना? हाँ कभी कभी कर लेता हूँ। अर्चना जी सबट्रैक्ट करती है, आपको पता है? इन्होंने इधर से एक आदमी को सबट्रैक्ट किया है और फिर सारा पैसा मल्टीप्लाई करके अपनी पूरी फैमिली में डिवाइड कर दिया। मैथमेटिक्स में नंबर 1 है। बहुत अच्छी है।
खैर आपकी पिक्चर के लिए बहुत आपको मुबारक हो, हम फिर मिलेंगे। सारी सर दमन फिल्म में रवीना टंडन ग्लैमरस हीरोइन है, वो आपकी बीवी बनी थी, उसमें भी आप उनको तंग करते रहते हैं तो आपने डायरेक्टर से कभी बोला नहीं मेरी सारी जिंदगी सूखी निकल गई तमंचे कट्टे चलाते हुए, अब अगर रवीना टंडन है तो एक आध मेरा रोमांटिक सीन होना चाहिए? नहीं, उसमें रोमांटिक सीन था मतलब वाइफ के ऊपर बहुत सीन थे उसमें। मतलब मेरा दूसरा तीसरा फिल्म था, रवीना टंडन जी के बहुत फिल्में हो चुकी थी जी, फीमेल आर्टिस्ट जो होते बहुत सपोर्ट करते, तो मैं ये हो गया कि अरे यार चलो, मतलब कितना भी करे तो अपने को ये संस्कार नहीं है ना। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, इसलिए तो। पर आप दिल के भी अच्छे, पता नहीं आपकी बात पे यकीन नहीं होता। मैं मेरा किरदार ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली। अब मैं जो भी विलन का अच्छा काम करता हूँ मेरी वाइफ को देख के करता हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।